लगता है सर आरआर और एलिफेंट विस्पर को क्या बोलना चाहेंगे? आरआरआर को ऑस्कर में मिली सक्सेस पर ये है सिद्धार्थ मल्होत्रा का रिएक्शन। सर आरआर और एलिफेंट विस्पर को क्या बोलना चाहेंगे? आरआरआर पर क्यों नहीं बोले सिद्धार्थ, ये नहीं बल्कि उनका मना करने का अंदाज बन गया है हेडलाइंस। सर आरआर और एलिफेंट विस्पर को क्या बोलना चाहेंगे? Yes, you heard it right. ये वही सिद्धार्थ है जो मीडिया से काफी फ्रेंडली और कामली इंटरैक्ट करते आए हैं। पर जब बात आई वाइफ कियारा अडवाणी के RC15 को स्टार रामचरण की फिल्म RRR को मिले एक ग्लोबल अचीवमेंट की, तो सिद्धार्थ के रिएक्शन ने फैंस को कर दिया सरप्राइज। सर आरआर और एलिफेंट विस्पर को क्या बोलना चाहेंगे? सिद्धार्थ मल्होत्रा रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। सिर्फ जब एयरपोर्ट में हो रहे थे एंटर, तो पैप्स ने उन्हें शटर बग्स में कैप्चर भी किया। साथ ही आरआरआर और दी एलिफेंट विस्परर्स को मिले ऑस्कर अवार्ड पर उनका रिएक्शन भी मांगा। पर पैप्स के इन सवालों पर सिड नजर आए थोड़े एंग्री, जिसके बाद उन्होंने ये रिएक्शन दिया जिसे माना जा रहा है रूड। सिड ने कहा, सर आरआर और एलिफेंट विस्पर को क्या बोलना चाहेंगे? वेल, लगता है सिड को थी फ्लाइट पकड़ने की थोड़ी जल्दी, इसलिए वो ऐसा रिएक्शन देकर एयरपोर्ट के अंदर चले गए। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि वो RC15 में उनकी वाइफ के को स्टार रामचरण की फिल्म RRR के प्राउड मोमेंट पर रिएक्ट ना करते। वहीं कियारा अडवाणी भी अपनी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की कुछ नई पिक्चर्स से बढ़ाती नजर आ रही है एलिगेंस। कियारा की मेहंदी सेरेमनी की ये पिक्चर्स उनके हेयर स्टाइलिस्ट ने शेयर की है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रिसेंटली सिद्धार्थ ने भी कियारा के साथ उनके होली सेलिब्रेशन की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की थी और कैप्शन में कियारा को उन्होंने मिसेज लिखकर एड्रेस किया था। सिद्धार्थ ने कैप्शन में लिखा था, फर्स्ट होली विद द मिसेज, हैशटैग हैप्पी होली। वेल, अब सिद्धार्थ कियारा है ही बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स में से एक, तो ऐसे में उनके हर एक मूव पर फैंस की नजर कैसे नहीं रहेगी।